वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल क्रेशर पूजा मुड़ी व्लॉग। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो जो भी भाई हमारे चैनल पर नए हैं वो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें ताकि आने वाला जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि गाँव में गेहूँ किस तरह से काटे जाते हैं, तो वो सब हम इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को कम्प्लीट देखना, बीच में छोड़ कर मत जाना, ठीक है। और उन खेतों में भी हम आपको लेकर जाएंगे जहाँ पर जो लेबर लोग लगी हुई हैं, जो व्यक्ति गेहूँ को काट रहे हैं, किस तरह से वहाँ पे कटाई होती है, किस तरह से फिर उनको जो है मशीन से निकाला जाता है वो सब। गांव में जो गेहूँ की खेती होती है बहुत ही बड़े स्केल पर की जाती है और यहाँ पर हर वर्ष काफ़ी जो है गेहूँ का उत्पादन किया जाता है और एक बड़ी तादाद में यहाँ पर गेहूँ की खेती को किया जाता है। तो पूरी वीडियो में हम आपको यही सारी चीज़ें दिखाने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश में गेहूँ की खेती किस तरह से की जाती है, उसकी कटाई जो होती है वो किस तरह से की जाती है। और यहाँ पर जब गेहूँ कट जाते हैं तो उनको निकालने के लिए, उनसे अनाज को निकालने के लिए जो मशीन है वो लगाई जाती है और जिससे कि जो गेहूँ है आसानी से निकाल दिए जाते हैं और उससे कुछ वेस्ट बचता है जिसे हम भूसा कहते हैं, उसको इकट्ठा किया जा सकता है और जो पशु होते हैं उनको उसे बाद में खिलाया जाता है। तो चलिए दिखाते हैं आप हम सबको, तो चलिए दिखाते हैं हम। तो देखिए सामने आप जो है खेत देख सकते हैं और इसमें जो कटे हुए गेहूँ हैं वो भी आप देख सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसे छोटे छोटे पोले बनाकर रखे जाते हैं ताकि इनको आसानी से इकट्ठा किया जा सके और इनको फिर एक जगह इकट्ठा कर और इनसे फिर गेहूं निकाल लिए जाते हैं और उस गेहूं से निकलता है भूसा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो ये बाल होती हैं गेहूं की, इन्हें सभी जो पुली वगैरह है इकट्ठा कर ली जाती है और फिर इनको मशीन में निकाल कर इनसे गेहूँ निकाल लिया जाता है और भूसा अलग हो जाता है और गेहूँ अलग हो जाता है। तो चलिए आगे हम भूसा भी दिखाएंगे अगर कहीं मिलता है तो। फिलहाल देख सकते हो चारों तरफ जो है यहाँ पर आपको छोटे छोटे खेत नज़र आ रहे होंगे जहाँ पर जो किसान लोग हैं वो अपने काम में लगे हुए हैं और बहुत सारे लोग कोई कटाई कर रहा है, कोई जो कटे हुए गेहूँ हैं उनको निकलवा रहा है और बहुत सारे लोग जो हैं इसको इकट्ठा करके ले जा रहे हैं। तो ये छोटे छोटे आप खेत देख सकते हैं जो अलग अलग हिस्सों में यहाँ पे डिवाइड है और सामने आपको अगर नज़र आ रहा हो तो एक ट्रैक्टर भी है जो कटे हुए गेहूँ उन्होंने वहाँ पर निकाल लिए हैं और जो भूसा बचा हुआ है वे उसको इकट्ठा करके अपने घर पर ले जा रहे हैं जिससे कि बाद में वो पशुओं के खाने के काम आए और जो चारा है उसकी पूर्ति हो सके। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर जरूर कर देना क्योंकि जो ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।